हाय फ्रेंड्स। और देखिए अभी सुबह सुबह का 7 बजने जा रहा है और हम बाथरूम से आ गए। हाय फ्रेंड्स, और देखिए अभी हम लोग जा रहे हैं चाय दुकान पे। तो हमार तो मान ला कि उम्र हो गल बा, और लास्ट दौरान उनको उम्र हो गल बा। भाई हाय दोनों लड़का, किसी ने देखा तो नहीं तुम्हें आते। वो तू पढ़ाई पर काहे ना ध्यान देला? पढ़ाई पर ध्यान ना दे सके, सरकार एने उन्हें पलट जाता, वही में बिजी रहता तो हमनी के नौकरी देवे में का बिजी रहे। एकदम सही बात। पढ़े लिखे के तो अपना मन करत रहे नो कि मत पूछो, सुबह से उठी तारे बारे में हम जाना तनी। तू मैट्रिक में 2 बार एग्जाम देके फेल होइल बड़ा। द प्लीज आप लोग बताइए, सरकार सही काम नहीं कर रही है, अपने में पलटी मार दे रही है। और सरकार के पलटी मारे के कारण लड़का पलटी मार के चला उतर से कलकत्ता। टिकट के दाम ज्यादा बा 185 रुपए। तो सरकार से रिक्वेस्ट निवेदन है कि देखिए बच्चा का भविष्य आप लोग खराब मत कीजिए, क्या है कि नौकरी पर ध्यान दीजिए, अच्छा काम कीजिए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं चाय पीने। देखिए पीछे में गुरुद्वारा है, आप लोग बहुत बड़ा गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा है पर देखिए चाय दुकान पे आ गए। प्लस द चाय बनाइए। और भाई बहुत झक्कास चाय बनाते हैं, माइनस माइनस में बनाएंगे कि प्लस में? चाय कैसे बेचते हैं भाई? चाय मतलब कि छोटा कप या बड़ा कप कैसे बेचते हैं? 6 रुपया 10 रुपया। 6 रुपया 10 रुपया। देखिए आपका चाय में मतलब कि 6 रुपये वाले में कितना प्रॉफिट हो जाता है एक कप में? लमसम एक कप में हो जाता है 1 रुपया। 1 रुपया दिन भर में 100 कप बिक जाता है, एक्स्ट्रा 200 कप। तो बिजनेस कोई बुरा बात नहीं है। और देखिए हमारे भाई का कहना है बिजनेस अपना करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए, छोटा हो या बड़ा हो, बड़ा हो किसी के गुलामी से अच्छा है अपना बिजनेस, अपना बिजनेस करना खुद का मालिक। तो देखिए बहुत अच्छा बात है, चाय की दुकान थोड़ी जरूरी है ना। तो हमारा देखे से तार लोग के कौन ऐसा अच्छा काम करे के चाहिए, गाड़ी लाइन बना लेते हैं। देखिए एगो हमारा बकलोल दोस्त है। छोड़ो कल की बातें,